तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये एपिसोड 5 है और आज के इस एपिसोड 5 में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं उर्दू कवायद के। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उर्दू कवायद के इस एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाए जा रहे हैं और आज के इस एपिसोड में आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो पहले से ही तैयार हो जाइए 20 में 20 सही करने के लिए और देखते हैं कि आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। बाकी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट कर दे लाइक, चैनल पर नए नया है तो चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं देन वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और जितने भी क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी हैं वो उर्दू ग्रामर के इस ज़बरदस्त एपिसोड में हिस्सा ले सके, ठीक है, हो सके तो स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड का। देखिए सबसे पहला सवाल, हालांकि सबसे पहला सवाल नहीं कहेंगे क्योंकि सवाल 81 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी 4 एपिसोड में लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी वजह से सवाल स्टार्ट होगा 81 से, लेकिन आज के इस एपिसोड का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल यानी कि सवाल नंबर 81 है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है हाल, बी में है माजी, सी में मजारे और डी में है मुस्तकबिल। क्या होना चाहिए? ऑलरेडी उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ाए जा चुके हैं। फेल की किस्में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो वहीं पर बताई थी कि जिस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस फेल यानी कि जिस क्रिया में हाल, हाल का मतलब प्रेजेंट और मुस्तकबिल का मतलब फ्यूचर, यानी कि जिस फेल में, जिस क्रिया में हाल और मुस्तकबिल यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का होना पता चले, उस तरह के फेल को कहा जाता है फेल मजारे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, यानी कि फेल मजारे इज द करेक्ट आंसर। तो 81 का आई होप आप लोगों ने सी लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हालांकि ये जूम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं 480 पिक्सल नहीं तो 720 पिक्सल में कर देखेंगे तो एकदम साफ और क्लियर आप लोगों को दिखाई देगा। बाकी जूम मैं कर रही हूँ तो साइड से कट जा रहा है, तो इसी वजह से मुझे छोटा करके ही ये क्वेश्चन आप लोगों को कराना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रा क्वालिटी बढ़ा लें ताकि साफ साफ आप लोगों को भी दिख सके। क्वेश्चन नंबर 82 है कि दर्ज़ैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में है हिमालय, बी में है पटना, सी में अकरम और डी में है फल। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं इसमें नकरा? किसी भी चीज़ का कॉमन नाम यानी कि आम नाम जिससे पूरी जाति का होना पता चले, उसे कहते हैं हम लोग इस्म नकरा। देखिए ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए में है हिमालय, पर्वत में एक ख़ास पर्वत का नाम ले लिया गया है हिमालय, यानी कि एक ख़ास नाम है, स्पेशल नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। शहर में एक ख़ास नाम ले लिया गया है पटना, ऑप्शन नंबर बी में देखिए पटना शहर है, यानी कि शहर में एक स्पेशल नाम ले लिया गया है पटना शहर, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक स्पेशल नाम है। लड़का में एक स्पेशल नाम ले लिया गया है अकरम, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक स्पेशल नाम है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिए इसमें क्या है? फल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फल एक ऐसा नाम है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कि फल एक स्पेशल नाम नहीं है, ये एक कॉमन नाम है, एक आम नाम है जिससे पूरे फल की जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर फल में एक ख़ास फल का नाम नहीं लिया गया है कि आम, अंगूर, केला, लीची वगैरह, ठीक है, यहाँ पर सिंपली फल बोला गया है, तो फल क्या कहलाएगा? इसमें नकरा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है कि दर्ज़ैल में इसमें मुआवजा की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन ए में है झाड़ू, बी में है बहादुर, सी में है पुराना और डी में है धुलाई। तो ऑब्वियसली बात है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धुलाई। इसमें मुआवजा ये भी आप लोग को पढ़ाया गया है टॉपिक, इसम की किस्में जो है ना उसी में मैं आप लोग को पढ़ाई थी। इसमें मुआवजा क्या कहलाएगा? धुलाई कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी तो 83 नंबर क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 है कि मानी के अतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में है एक, बी में है दो, सी में है तीन और डी में है चार। तो मानी के लिहाज से आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इस्म की टोटल बता दें कितनी किस्में हैं,
इसी बात पर आप लोगों का मेमोरी पावर कितना तेज़ है ज़रा मैं भी देख लूँ। मानी के लिहाज से इस्म की टोटल कितनी किस्में होती हैं, यानी कि कितने टाइप होते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मानी के एतबार से आप लोगों को बता दूँ मैं, इस्म की टोटल दो किस्में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे पता है कि आप लोग सी लगाए होंगे। तीन, ध्यान रहे, तीन कब होगा? तीन तब होगा जब क्वेश्चन पूछेगा कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बनावट के लिहाज से इस्म की तीन किस्में होती है, इसमें जामिद, इसमें मजदर और इसमें मुश्तक। लेकिन यहाँ पर मानी के लिहाज से पूछा है। मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, कौन कौन सा? तो इसमें ज़ात और दूसरा है इसमें सिफत। ठीक है, इसमें सिफत, ये दो टाइप है इस्म की मानी के लिहाज से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अस्पताल क्या है। ऑप्शन ए में इसमें आला, बी में इसमें ज़र्फ़, सी में इसमें सिफत और डी में है हासिल मस्तर। तो अस्पताल ये जगह का नाम है ना, किसी भी जगह या फिर किसी भी वक्त के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ये भी इस्म की किस्में जब पढ़ा रही थी तो आप लोगों को बताई थी। ठीक है, बिना सोचे समझे आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वो नाम या तो किसी जगह का होना चाहिए या फिर किसी वक्त का होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी जगह या फिर वक्त के नाम को हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कलमा, बी में है कलाम, सी में है कलीम और डी में है कुनाल। तो बामानी लफ्ज़ को मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही उर्दू ग्रामर का जो स्टार्टिंग वाला क्लास था वहीं पर बताई थी कि जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई मानी हो, यानी कि बामानी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बाकी एक से ज़्यादा अगर बामानी लफ्ज़ हो, यानी कि एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो और उसका कुछ ना कुछ मानी हो, उसे कहते हैं कलाम। जैसे कि मान लीजिए टोपी है, टोपी का कुछ ना कुछ मानी है, तो टोपी ये एक लफ्ज़ है तो इसको कहेंगे कलमा। लेकिन अगर मैं कहूँ लाल टोपी, ठीक है, लाल टोपी, तो अब यहाँ पर दो लफ्ज़ आ गया, पहला है लाल और दूसरा है टोपी। तो ये एक से ज़्यादा बामानी वाला लफ्ज़ है तो इसको कहेंगे कलाम। ठीक है, वह लाल टोपी पहना है, तो वह लाल टोपी पहना है, पांच लफ्ज़ हो जा रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? कलाम ही कहलाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है? कलाम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की दर्ज ज़ैल में इस्म आला की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में है नदी, बी में है चाकू, सी में है किताब और डी में है घर। ये तो आप लोग आँख बंद करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस्म आला उस तरह के इस्म, उस तरह के नाम को कहते हैं जिससे औजार या फिर हथियार का होना पता चले, जैसे कि चाकू, छुड़ी, कैंची, थर्मामीटर, लाठी, भाला, ठीक है, या फिर तलवार, बंदूक, ये सभी क्या हैं? औजार या फिर हथियार के नाम हैं। तो इस तरह के नाम क्या कहलाते हैं? इसमें आला कहलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में चाकू दिया गया है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, चाकू इसमें आला कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ज़ैल में इसमें ज़र्फ कौन है। देखिए इसमें ज़र्फ से एक और सवाल। ऑप्शन ए में है स्कूल, बी में है किताब, सी में है कलम और डी में है टोपी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल क्या है? जगह का नाम है। जगह या फिर वक्त के नाम को क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है कि दो दिन बाद इम्तहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए में है माजी, बी में है मुस्तकबिल, सी में है हाल और डी में है, एक मिनट, सी में है हाल और डी में है माजी तमन्नाई। तो दो दिन बाद इम्तहान होगा, यानी कि एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, दो दिन बाद होगा, यानी कि ये काम आने वाले समय में किया जाएगा, मुस्तकबिल में किया जाएगा। तो ये जो फेल रिलेटेड है वो ज़माने मुस्तकबिल से रिलेटेड है, यानी कि फ्यूचर से संबंधित है, ये काम फ्यूचर में होने वाला है, मुस्तकबिल में होने वाला है। तो अभी ज़रूरी बात है, ज़माना का कौन सा टाइप है? ये ज़माने मुस्तकबिल। आई होप आप लोगों ने बी लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर सवाल कि दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए में है नेमत, बी में है रहमत, सी में है शहर और डी में है क़यामत। मुज़क्कर यानी कि पुलिंग लफ्ज़ की निशानदेही आपको करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए हमारी बात को।
खुदा की नेमत बरस रही है, या फिर नेमत जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, स्त्रीलिंग लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। और खुदा की रहमत, खुदा की रहमत या फिर खुदा की नेमत, खुदा का नेमत नहीं, खुदा की नेमत, खुदा की रहमत, तो ये नेमत और रहमत दोनों ही जो है ना मुअन्नस लफ्ज़ हैं, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद से क़यामत आने वाली है, तो क़यामत लफ्ज़ भी जो है ना ये भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन तो इसी तरह से छट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, शहर। यह शहर नया है मेरे लिए, तो शहर ये जो लफ्ज़ है ना ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। आप लोग कभी ऐसे सुने हैं कि शहर नई है, नया शहर, नई शहर नहीं नया शहर, तो ये क्या कहलाएगा, शहर मुज़क्कर कहलाएगा, यानी कि पुल्लिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर सवाल पर, कि दर्ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में है आंगन, बी में है आमदनी, सी में है पानी और डी में है रानी। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। नून गुन्ना ऑलरेडी मैं आप लोग को बताई हूँ, इसे कहते हैं जिसको नाक से पढ़ा जाए, जैसे कि रानी, इसमें नून को यानी कि नौ को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ दे रहे हैं, पानी इसमें भी नौ को पूरा का पूरा पढ़ दे रहे हैं, आमदनी इसमें भी नौ को यानी कि नून को पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन आंगन में ये जो ये वाला नून है ना आंगन, तो इस नून को हम लोग क्या नाक से पढ़ रहे हैं, आंगन आंगन। लास्ट वाला नौ तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला नौ है जो आंगन में ऊपर चांद वाला नौ होता है, ठीक है, ये वाला नौ, इसको हम लोग नाक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंगन, इस तरह के नून को क्या कहते हैं हम लोग, नूनगुन्ना कहते हैं। तो नूनगुन्ना वाला लफ्ज़ कौन है, ऑप्शन नंबर ए आंगन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है कि बातिन की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए में है वतन, बी में है ज़ाहिर, सी में है बातूनी और डी में है ज़ाहिरी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ज़ाहिर। ज़ाहिर का अपोजिट बातिन, बातिन का अपोजिट ज़ाहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है कि अबू हनीफा किस तरह का नाम है। ऑप्शन ए में है लकब, बी में तखल्लुस, सी में है खिताब और डी में है कुनियत। अगर आप लोगों को हमारा ट्रिक याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर पढ़ा रही थी तो ट्रिक क्या बताई थी, कुछ काज तो आप लोगों को याद आ ही रहा होगा। आप लोगों को मैं बताई थी ना कि जिस नाम के आगे, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना हो, जिस नाम के आगे अगर आप लोगों को अबू लिखा हुआ दिखाई दे, लिखा हुआ दिखाई दे, इब्न लिखा हुआ दिखाई दे या फिर बिंत लिखा हुआ दिखाई दे, ये चार लफ्ज़ जिस नाम के आगे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे, उसको आप लोगों को बिना सोचे समझे लकब टिक कर देना है। तो बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए लकब, ठीक है। यानी कि लकब उस नाम को कहते हैं जिस नाम को अपने माँ बाप या फिर घर वालों के रिश्तों की बिना पर रखा जाए, ठीक है। अबू, इब्न, बिंत, जिस नाम के आगे आप लोगों को दिखाई दे ये चारों में से कोई सा भी लफ्ज़, तो उसको क्या टिक कर देना है, लकब टिक कर देना है, वो लकब कहलाता है। तो देखिए, हनीफा के आगे क्या लगा हुआ है, अबू लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लकब कहलाएगा। अबू का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ, का मतलब क्या होता है, मदर ऑफ, बिंद का मतलब होता है डॉटर ऑफ, और इब्न का मतलब होता है सन ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ और बहुत ही विस्तार से पढ़ाई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। इस्म की किस्में पढ़ा रही थी, इस्म की किस्में, तो उसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, कि एक हर्फ को दो बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है तनवीन, बी में है मद, सी में है तशदीद और डी में है हरकात। तो एक हर्फ को दो बार हम कब पढ़ते हैं, कौन सा अलामत, कौन सा चिन्ह लगा होता है जिसको देखकर हम किसी भी हर्फ को दो बार पढ़ते हैं। तो याद आ गया आप लोगों को, जी हाँ, तशदीद। तशदीद जिस हर्फ के ऊपर लगा होता है उसको, उस हर्फ को हम लोग दो बार पढ़ते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के अल्लाह ही ले लीजिए, अल्लाह अल्लाह, तो यहाँ पर तशदीद लगा होता है अल्लाह, लाम के ऊपर दो बार हम लोग पढ़ते हैं ना अल्लाह, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तशदीद। और ये जिस हर्फ के ऊपर लगता है उसको हम लोग दो बार पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 कि माजी ना तमाम की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए में वह आया होगा, बी में है वह आते थे, सी में है वह आया था और डी में है वह आ चुका है। माजी ना तमाम किसे कहते हैं, ये भी मैं फेल की किस्मों में पढ़ाई थी, माजी ना तमाम, ठीक है। कैसा राइटिंग हुआ है, माजी इस तरीके से रहेगा, देखें कभी कभी राइटिंग इतना, माजी ना तमाम, ठीक है। माजी ना तमाम किसे कहते हैं, वह फेल यानी कि वह क्रिया, ध्यान से सुने, वह काम जो पास्ट टाइम में लगातार होता रहा हो, उस तरह के काम को कहते हैं माजी ना तमाम, यानी कि जिस काम से लगे, वह काम जो लगे कि पास्ट टाइम में लगातार होता था, उस तरह के काम को कहते हैं फेल माजी ना तमाम। तो देखिए वह आते थे यानी कि ये जो काम होता था आने का काम, ये बहुत पहले पास्ट टाइम में लगातार होता था, यानी कि पहले पास्ट टाइम में माजी में ये काम लगातार होता था आने का काम, वह आते थे यानी कि काम होता था रेगुलर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग माजी ना तमाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यही है माजी ना तमाम का मिसाल। क्वेश्चन नंबर 96 की वर्क की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए में है वर्को, बी में है औराक, सी में है वराक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो वर्क की जमा यानी कि प्लूरल बहुवचन कहलाएगा औराक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है कि दर्जायल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ की पहचान करनी है आपको। ऑप्शन ए में है नज़्म, बी में है कागज़, सी में है आबरू और डी में है कलम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, नज़्म बहुत अच्छा है, यानी कि नज़्म जो है ना ये मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है, ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। कागज़ फाड़ लाओ, कागज़ एक मिनट, कागज़ जो लफ्ज़ है ना ये भी मुज़क्कर ही कहलाएगा, कागज़ सादा है, ठीक है, सादा कागज़, सादी थोड़ो ना बोलते हैं, सादा, ठीक है। तो कागज़ ये भी लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। बात करते हैं कलम, तो कलम उर्दू लैंग्वेज में मुज़क्कर कहलाएगा, ये कलम मेरा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, मुअन्नस। आबरू जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इल्म की जमा क्या होगी, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन ए में मालूम, बी में उलूम, सी में आलिम और डी में मौलिम। तो इल्म की जमा यानी कि बहुवचन होता है उलूम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है कि घर जाओ कौन सा जुमला है। ऑप्शन ए में अमरिया जुमला, बी में निदाइय जुमला, सी में फजाइय जुमला और डी में सवालिया जुमला। तो घर जाओ ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ, ठीक है। तो जिस काम को करने का ऑर्डर दिया जाए, मतलब जिस जुमले में किसी काम को करने का ऑर्डर दिया जाए, उस तरह के जुमले को कहते हैं हम लोग अमरिया जुमला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है 100 नंबर कि भारत रत्न क्या है, बताएं भारत रत्न क्या है। ऑप्शन ए में है कुन्नियत, बी में है लकब, सी में उर्फ और डी में है खिताब। क्या होना चाहिए इस सवाल का सही जवाब, भारत रत्न ये क्या है, ये एक खिताब है। खिताब किसे कहते हैं, जो अवार्ड, जो नाम जो है ना, वह एक ख़ास नाम जो आपको आपकी खूबी या फिर कमाली के बदले सरकार की तरफ से दी जाए। तो भारत रत्न भी एक क्या है, किताब है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और फाइनली यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज का ये एपिसोड 5 था, एपिसोड 5 में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग 100 क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। आई होप आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप आज के इस एपिसोड में 20 में जितना सही कर पाए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। बाकी जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है, देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें, चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप लोगों को दबा कर जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी उर्दू ग्रामर के इस ज़बरदस्त एपिसोड में जुड़ सकें और वो भी इस वीडियो का, इस एपिसोड का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।